मंदिर का जो निर्माण हुआ ये अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसलिए मैं राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का जो श्रेय है वो सर्वाधिक नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूँ। सरकारें आई, कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, संत महात्माओं के बड़े बलिदान है, बड़ा लंबा संघर्ष है, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर ना बन पाता। महाराज जी, विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय कराया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्य का विषय है। राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को कोई पादरी भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को तो कोई मुसलमान भी नहीं ठुकरा सकता। राम भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम को के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारत की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देना। राम के बिना ना भारत की कल्पना की जा सकती है ना भारत के लोकतंत्र की। इसीलिए रामराज का सपना तो महात्मा गांधी ने देखा था और कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की पार्टी है वो राम विरोधी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं सभी विपक्षी दलों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, सनातन से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। प्रधानमंत्री जी ने अनुष्ठान का रखा जो है कितना महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, कितना संघर्षशील अनुष्ठान का संस्कार। मुझे लगता है कि इस देश में पंडित ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए इतनी बड़ी साधना नहीं की। मैं इस पुण्य कार्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। मेरा परम सौभाग्य का विषय है कि मुझे भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण प्राप्त हुआ और अयोध्या नगरी देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कई जन्मों के पुण्यों का फल है। जो लोग अयोध्या आए हैं उनको बधाई, जो लोग इस अयोध्या की छटा को, इस उत्सव को, इस महान उत्सव को घर बैठे देखेंगे उनको भी बधाई, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। महाराज आखिरी सवाल,
अब की अयोध्या और पहले की अयोध्या में कितना अंतर आया है, कितना आपको महसूस होता है, कैसा लगा? ठीक ऐसा जैसे अंधकार और प्रकाश में फर्क होता है, अंधेरे और उजाले में जो फर्क होता है वही फर्क पुरानी अयोध्या में और आज की अयोध्या में देखने को मिल रहा है।